हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर। इस वाले मनोवा की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाले एपिसोड को भी आप लोग इन तक ही देखोगे। तो बिना किसी देरी के चलो हमारी कहानी शुरू कर देते हैं। योन सांग की बड़ी बहन नायन मिन को इस समय भूमाए उस तरीके से फाइट करते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा औसम है। भूमाए का ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को योन सांग की बहन को योन सांग के किसी एक फ्रेंड के घर में, मतलब वही मोटे के घर पे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे नायन मिन अभी मोटे से ये पूछने लगती है, क्या तुम वही हो जो कि मेरे भाई को बुली करता है? लेकिन इस समय मोटे का शकल तो देखो यार, किस तरीके से अपने जीभ को लपलपा रही है। लेकिन इस समय ये मोटा अपने सास को छोड़ते हुए योन सांग की बहन से ये बोलने लगता है, नहीं नहीं शायद से तुम्हें कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो बस यहाँ पे रहती हूँ और तो और मैं हाई स्कूल को कब का छोड़ दिया, इवन मैं योन सांग को भी नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने बस मुझे ये बोला है कि तुम्हें उसके पास लेके जाने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, ये जो मोटा लौंडा है इसका नाम है कायंग मिन। अरे वही पिछले एपिसोड में जिसके हाथ को योन सांग ने तोड़ दिया। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भूमाए गाड़ी के अंदर बैठ के परफ्यूम को फुसफुसाते हुए लगाने लगता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये बोलता है, परफ्यूम भी चेक, कार भी चेक, सब कुछ एकदम परफेक्ट, मेरे प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। और ये बोलने के साथ ही दोबारा से अपना बिहेवियर किस तरीके से, अरे मतलब गंदी वाली बिहेवियर करते हुए अपने मन में ही बोलता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, अगर वो सब कुछ मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं शायद से पकड़ा जाऊंगा। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही इस समय भूमाए नायंग मिन के बारे में सोचने लगता है। इसी समय दरवाजा खोल के योन सांग की बहन नायंग मिन भूमाए की तरफ ही देखने लगती है। तो नायंग मिन को देखने के बाद इस समय भूमाए नायंग मिन से बोलने लगता है, मिस ली नायंग मिन तुम यहाँ पे आ गई हो। लेकिन इस समय नायंग मिन भूमाए से ये पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? तो इस बात के रिप्ले में इस समय भूमाए नायंग मिन से बोलता है, आखिरकार तुम कैसे बेहुदा बात बोल रही हो, मेरे क्लासमेट की जो सिस्टर उसकी नाम को मुझे नहीं पता होगा, और ऐसे भी मैं ली योन सांग का बहुत ही ज्यादा करीब हूँ और तो और मैं ली योन सांग के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस समय भूमाए के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस वक्त नायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही भूमाए के कॉलर को कस के पकड़ लेता है और भूमाए से ये कहने लगती है, तुम वही प्रो लौंडे हो ना जो कि हमेशा अपने आंखों में चश्मा पहन के रखता है। और ये बोलने के साथ ही इस समय नायन भूमाए को कार से बाहर की तरफ पटक देती है और इसके साथ ही उसकी तरफ ही आते हुए बोलने लगती है, तुम्हारा जैसा एक कचरा जो कि दूसरे बच्चे को बुली करता है, क्या तुम्हारे घर वाले को पता है इसके बारे में? तुम आखिरकार स्कूल के अंदर किस तरीके से कारनामा करते हो और क्या तुम मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ते हो? तो इस कार का क्या? ये सब कुछ बोलते बोलते इस समय नायंग मिन भूमाए के बहुत ही ज्यादा पास आने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद इस समय भूमाए बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या मुझे अभी इससे माफी मांगना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से दौड़ के भाग जाना चाहिए? इस वक्त तो नायंग मिन ये भी बोलने लगती है, तुम ये जो गाड़ी लेके आए हो क्या तुम्हें गाड़ी चलाने भी आती है? तो नायंग मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी भूमाए नायंग मिन से बोलने लगता है, मिस ली नायंग मिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि आजकल के बच्चे कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है, तो ये सब कुछ हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और ऐसे भी क्या तुमने उस जुवेनाइल लॉ के बारे में नहीं सुना है? चाहे हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोगों के एज के हिसाब से हम लोगों को कोई भी सजा नहीं मिलेगा, तो तुम्हें इन सभी बातों के बारे में पता तो होगा ही ना? और अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई स्कूल के अंदर उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें फेस करना होगा। भूमाए के मुंह से इस बात को सुनने के बाद इस समय नायंग मिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही उसके कान के नीचे बहुत ही जोर से एक थप्पड़ मार देती है और इसके साथ ही उसे ये बोलने लगती है, मुझे लगता है तुम्हारा जो दिमाग है वो खो चुका है, चलो उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही उसे लगातार बहुत सारे थप्पड़ मारने लगता है। और अभी नायंग मिन को इस तरीके से भूमाए को पीटते हुए देखने के बाद एकदम दिल खुश हो गया मार मार के। इस समय नायंग मिन भूमाए का हालत किस तरीके से करके रखा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इस वक्त नायंग मिन भूमाए का पूरा थोपड़ा चेंज कर दिया। भूमाए को इस वक्त इस तरीके से पीटने के बाद नायंग मिन भूमाए से बोलती है, हे। तो ये सुनने के बाद अभी डरते हुए भूमाए बोलता है, हाँ यस मैम। तो नायंग मिन उसे बोलता है, मैं एक ड्राइवर का कॉल कर दूंगा तो तुम अपना पिछवाड़ा संभालो और घर से ही सलामत पहुंच जाना। ये बोलने के साथ ही अभी नायंग मिन यहाँ से जाते हुए दोबारा से भूमाए से बोलती है, मैं तुम्हें एक और बार बोल रही हूँ, अगर तुमने दोबारा से मेरे भाई के ऊपर अपनी गंदी हाथ डाला तो उसके बाद क्या होगा वो तो तुम समझ ही रहे होंगे ना। नायंग मिन की इन सभी बातों को इस समय भूमाए कार के अंदर से बैठे बैठे बस चुपचाप सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ नायंग मिन इन सभी बातों को बोलने के बाद वो अभी सीधा यहाँ से चल के जाना
जाने लगती है। लेकिन इसमें बुमाई जो कि इन सभी बातों को सुनने के बाद और इस तरीके से मार खाने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उसका टेम्पर धीरे धीरे करके हाई होने लगता है। इसी समय हम लोगों को तो कैंगमिन को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने पेट पकड़ के सामने की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा होता है और बोलने लगता है, लगता है मैंने डिनर में कुछ उल्टा सीधा खा लिया। लेकिन इस समय कैंगमिन सामने की तरफ कैंगमिन को आते हुए देखने के बाद वो बोलने लगता है, क्या बुमाई ने इतना जल्दी सब कुछ कर लिया? कैंगमिन अभी ये बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को बुमाई को देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय कार के दरवाजे को ओपन करके अपने मुंडी को बाहर काटता है और तुरंत ही कार को स्टार्ट करके फुल स्पीड में अभी कैंगमिन की तरफ ही आने लगता है और देखते देखते बहुत ही जोर से एक पेड़ में जाके टकराता है। इसी हमले से अभी कैंगमिन अपने आप को कूद के बचा लेता है और गाली देते हुए बुमाई से बोलने लगता है, तुम पागल हो गए हो क्या? कैंगमिन के साथ क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? इस वक्त तो हम लोगों को कैंगमिन को भी देखने के लिए मिलती है। वो भी इस समय इस हमले से कूद के साइड में आ जाती है। लेकिन इस समय जैसा कि बुमाई ने उसे जान से मारने की कोशिश किया है, इसी बात को लेके अभी वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। तो इस समय बुमाई कैंगमिन को इस अटैक को डॉज करते हुए देखने के बाद बोलने लगता है, तुम कुतिया तुम इसे डॉज कर लियो लेकिन अभी तुम इसे डॉज नहीं कर सकते हो। और ये बोलने के साथ ही अभी वो दोबारा से अपने कार को उसकी तरफ घुमा के जाने लगता है और बोलने लगता है, तुम एक स्पोर्ट्स वोमैन हो ना? और ये बोलने के साथ ही इस वक्त बुमाई कैंगमिन के पैरों के ऊपर से कार को चला देता है। तो इसी सीन के साथ अभी हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है उसके बाद से कैंगमिन जो कि इस हादसे के कारण अपने एक पाव को खो लेती है जिसके कारण उसे स्पोर्ट्स में गिव अप करना पड़ता है। लेकिन वो स्विमिंग करना स्टार्ट करती है। लेकिन कुछ दिन पहले एक हादसे के दौरान कैंगमिन मारा जाती है। सो यप, ये तो हो गई पास्ट की कहानी। अभी दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, मतलब अभी मैं जितने देर से बकड़ बकड़ कर रहा था ये सब कुछ पास्ट में हुआ था और इन सभी चीजों को इस समय योनसांग कैंगमिन को बोल रहा होता है। और सच में इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय कैंगमिन की फट के हाथ में आ जाता है। इवन उसके आंखों से अभी डर के मारे आंसू भी आने लगती है। क्या पता उसके साथ अभी एक क्या करे। अभी इसी डर के साथ कैंगमिन योनसांग से ये बोलने लगता है, तो क्या हुआ, क्या तुम मेरे से और बुमाई से रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आए हो? लेकिन इसी समय योनसांग उसी तार को दोबारा से खींच देता है जिसके कारण कैंगमिन के हाथ में दोबारा से दर्द होने लगता है और बेचारा कैंगमिन अभी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी योनसांग कैंगमिन से बोलता है, बस तुम लोगों से रिवेंज लेना ये तो बस एक फिजिकल चीज हो गया, मैं तो बस तुम दोनों से रिलेटेड जो कुछ भी है उन सभी को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कराना चाहता हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। और ये बोलने के साथ ही इस समय हम लोगों को बुमाई को देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इस समय उसके फोन में मैसेज आता है और मैसेज देखने के बाद उसका होश पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो बेसिकली बुमाई के फोन में ये मैसेज आया होता है, उसके पास फेक आईडी से जितने भी बैंक अकाउंट थे वो सभी बैंक अकाउंट एक ही साथ बंद हो चुका है और बंद होने का मेरा एक ही मतलब है कि बैंक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। और इन सभी मैसेज को देखने के बाद अभी बुमाई बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? मेरा जितना भी बैंक अकाउंट है वो सब एक साथ सस्पेंड कैसे हो सकता है? अभी बुमाई का ये बोलते ही दोबारा से योनसांग की तरफ का सीन आता है। अभी योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंगमिन योनसांग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम बोलना क्या चाहते हो? तो इसके रिप्ले में योनसांग बुमाई से बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें मेरा जो पहला प्लान है उसी के बारे में ही बताता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंगमिन से दोबारा से बोलता है, तुम्हें यहाँ पे मृत हालत में पाया जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय कैंगमिन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार तुम कमीने क्या बोल रहे हो? तो इस बात के रिप्ले में अभी योनसांग कैंगमिन से बोलता है, तुम मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कि तुम्हें मारने वाला है, वो पर्सन है बुमाई। तो इस बात को सुनने के बाद कैंगमिन बोलता है, क्या? और कैंगमिन का ये बोलते ही अभी दोबारा से बुमाई का सीन दिखा जाता है। बुमाई इन सभी मैसेजों को देखने के बाद पूरी तरीके से आग बबूला होने लगता है और अपने कमरे के अंदर ही चिल्लाने लगता है। एंड ऑब्वियसली कमरे के बाहर से उसका जो पेरेंट्स है वो ये सब कुछ सुन लेता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी बुमाई की माँ जो कि दरवाजा खोल के बुमाई से पूछने लगती है, बेटा क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तो इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय बुमाई दोबारा से अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए अपने पेरेंट्स से बोलने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बार का मेरा जो ग्रेड है वो थोड़ा कम हो गया है और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और इसी कारण ही ऐसा कुछ हुआ, तो आप लोग चिंता मत करो। और ये बोलने के साथ ही इस समय बुमाई दोबारा से दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन इस समय बुमाई का यह हरकत देखने के बाद उसका पेरेंट पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इस समय तो बुमाई की माँ अपने पति से पूछ रही होती है, हनी क्या बुमाई ठीक है? तो इसके रिप्ले में बुमाई का बाप बोलता है, हाँ इस एज में इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन इस समय बुमाई जैसे दरवाजे को बंद करता है उसका एक्सप्रेशन दोबारा से चेंज हो जाता है, शकल तो देखो यार कितना ज्यादा घिनौना है। इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। इस समय हम लोगों को दोबारा से योनसांग के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी कैंगमिन योनसांग के मुंह से उन सभी बातों को सुनने के बाद योनसांग से पूछने लगता है, आखिरकार क्यों
बुमाई आखिरकार मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो स्क्रिप्ट में योनसांग बोलता है, बुमाई जो कि अभी यहाँ भी आ रहा है, और क्या तुम्हें वो याद है जब तुमने मुझे वो फेक आईडी बना के दिया था, उसके साथ ही एक बैंक अकाउंट भी दिया था, और तुमने क्या ये नहीं बताया था ये जो फेक आईडी से जितना भी बैंक अकाउंट है वो सभी बैंक अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक है। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी बैंक अकाउंट है वो सभी जितने भी होमलेस पीपल है उन सभी के नाम पे फेक आईडी से बनाया गया है, और योनसांग इन सभी आईडी के ऊपर जोना के साथ मिलके रिपोर्ट मारा है, जिसके कारण ये सभी आईडी अचानक से सस्पेंड हो गया है। और जैसा कि ये सभी आईडी अभी पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया है तो बुमाई को कभी पता ही नहीं चलेगा आखिरकार आईडी किस लिए सस्पेंड हुआ है। और अगर तुम लोग पुलिस स्टेशन जाते हो इसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए, फिर भी तुम लोग पुलिस को जाके क्या बोलोगे कि तुम लोग फेक आईडी से अकाउंट बनाते हो और वही अकाउंट अभी सस्पेंड हो चुका है, तो अब बताओ कायंगमिन आखिरकार बुमाई अगर किसी के ऊपर शक करता है तो किसके ऊपर करेगा। तो कायंगमिन अच्छी तरीके से सोचो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, फिर भी अगर तुम इन सभी बातों को बुमाई के जाके बोलोगे तुम्हें क्या लगता है बुमाई तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा, वो तुम्हें डेफिनेटली मार देगा। और अभी योनसांग का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कायंगमिन को कोई एक लौंडा के बहुत ही बुरी तरीके से उसके फेस में एक पंच मारता है, जिसके कारण इस समय कायंगमिन उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरता है। इस समय तो कायंगमिन भी लौंडे से ये भी बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला मुझे इन सभी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कि सुनने के बाद अभी वो लौंडा अभी कायंगमिन से बोलता है, फालतू के बकवास करना बंद करो, मैं स्मेल से ही पता कर सकता हूँ कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, और जैसा कि आज मैं पहली बार तुम्हारे साथ मिल रहा हूँ लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख के मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ फालतू में बकवास करे जा रहे हो, और तौर तुमने बुमाई को धोखा दिए हो, और ये जो तगड़ा सा लौंडा ये सब कुछ बोल रहा है इसका नाम होता है चैंगसो, और चैंगसो बुमाई के साथ ही काम करता है। इस समय चैंगसो कायंगमिन को ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी पीछे की तरफ घूमते हुए बुमाई से कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो बुमाई। तो इस समय बुमाई बोलने लगता है, इस बिजनेस के अंदर हम में से अगर कोई धोखेबाज है वो तुम हो कायंगमिन। इस समय बुमाई कायंगमिन के पास जाते हुए कायंगमिन से बोलने लगता है, ये बस फर्स्ट टाइम नहीं है, तुम पहले भी अपने अकाउंट को बहुत बार सस्पेंड किए हो, लेकिन इस बार अचानक से तुम जितने भी अकाउंट है उन सभी को एक साथ लेके डूबे। पता है कायंगमिन, मैं तुम्हारे पर खुद से थोड़ा सा भी शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है जो हालात है वही तुम्हें यहाँ पे सस्पेक्ट बना रहा है, तो अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है, तो जल्दी से बताओ आखिरकार मामला क्या है। और ये बोलने के बाद ही इस समय बुमाई कायंगमिन की तरह बहुत ही पूरी तरीके से घूरने लगता है। अभी इसी सीन के साथ हम लोग को इसी कमरे के दरवाजे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय अपना योनसांग खड़ा हुआ था, और योनसांग दरवाजे को खोल के यहाँ पे घुस जाता है, और योनसांग को यहाँ पे अचानक से देखने के बाद बुमाई और बुमाई के साथ चैंगसो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और योनसांग को यहाँ पे देखने के बाद बुमाई योनसांग से बोलने लगता है, व्हाट ए परफेक्ट टाइम। लेकिन इस समय अपना योनसांग जो कि एकदम सीधा चलते चलते कायंगमिन के पास ही जाने लगता है, और कायंगमिन के पास जाते ही उसे बहुत ही बुरी तरीके से जोर जोर से लात मारने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो जो दोनों लड़की है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अभी योनसांग लात मारते मारते कायंगमिन से बोलता है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब कुछ काम करने का। इस समय तो योनसांग को इस तरीके से कायंगमिन को मारते हुए देखने के बाद चैंगसो बुमाई से पूछने लगता है, बुमाई आखिरकार ये लौंडा कौन है। तो इसके रिप्लाई में बुमाई बोलता है, ये यहाँ पे न्यू ज्वाइन हुआ है, लेकिन रुक जाओ ये एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। अभी अपना योनसांग कायंगमिन को बुरी तरीके से पीटने के बाद बुमाई की तरफ घूरते हुए बुमाई से अभी ये बोलने लगता है, क्या तुम इन सभी चीजों में मुझे भी घसीटना चाहते हो। योनसांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बुमाई भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और इसके साथ ही योनसांग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो इसके रिप्लाई में इस समय योनसांग अपने पॉकेट से एक कार्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, और बुमाई को दिखाते हुए ये कहने लगता है, तुम क्या जानते हो हम लोग 1% के लिए ये जो मिशन है इसे पूरी तरीके से विथड्रॉ नहीं कर सकते है, और तुम्हारा जितना भी पैसा गायब हो गया है उसका बस एक ही कारण है ये पार्सेंट और इसके एडिक्शन के बारे में। और ये बोलने के साथ ही इस समय योनसांग दोबारा से कायंगमिन के पास जाके कायंगमिन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, और बेचारा कायंगमिन वो खाऊंकाई ऐसे ही मार खा रहा है। लेकिन इसी समय बुमाई योनसांग को रोकते हुए ये पूछने लगता है, क्या तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कायंगमिन ड्रग यूज करता है, और उसके इस एडिक्शन के वजह से मेरा जितना भी अकाउंट है वो सभी सस्पेंड हो चुका है। और अगर ऐसा ही है फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे अकाउंट सस्पेंड होने से तुम इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय योनसांग बुमाई से ये कहने लगता है, तुमने कहा था ये जो अकाउंट है ये एक सेफ अकाउंट है, और इसी कारण मैं इस अकाउंट के अंदर मेरे खुद का बहुत सारे पैसे को भी डाला था, लेकिन वो सभी पैसा अभी उड़नचू हो चुका है। तो बुमाई क्या तुम मेरे पैसों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और तुम जो भी आंसर देने वाले हो सोच समझ के देना, क्योंकि मैं पैसों के बारे में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। योनसांग के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय बुमाई हंसते हुए योनसांग से बोलने लगता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जितना भी पैसा है उन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, क्या तुम कायंगमिन के पोजीशन को होल्ड
करना चाहोगे? अभी तो बुमाई के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बेचारा कांग मिन अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, ली योन सांग, इसका मतलब यही तुम्हारा प्लान था। सच में तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान है, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। तुमने मुझे एक बेट की तरह यूज किया जिससे कि तुम बुमाई का जो डाउटफुल पर्सनैलिटी है उसे पूरी तरीके से क्लियर कर पाओ। कांग मिन अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, इसी समय चैंगसो बुमाई से बोलता है, बुमाई रुक जाओ, मुझे योनसांग के ऊपर थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। और ये बोलने के साथ ही इस समय चैंगसो सीधा योनसांग की तरफ ही जाने लगता है और योनसांग से बोलने लगता है, ये जो कचरा है इसके आंखों में मुझे बहुत सारे प्लान नजर आ रहा है और इसकी आंखों में मुझे साफ 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 गुस्सा भी दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब योनसांग अभी जो कुछ भी बोल रहा है वो सभी बात उसके आंखों के साथ थोड़ा सा भी मैचिंग नहीं खा रहा है। और ये बोलते बोलते इस समय जो चैंगसो है वो योनसांग की बहुत ही ज्यादा कारी बाज आता है और योनसांग की तरफ ही घूरते हुए बोलने लगता है, इस कचरे को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मैं इसके आंखों को फोड़ दूंगा। लेकिन इस समय चैंगसो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपना योनसांग घंटा भी नहीं डरता है। ऊपर से वो हंसते हुए चैंगसो से बोलने लगता है, हे तुम क्या मुझे जानते हो? और ये बोलने के टाइम पे इस समय हम लोगों को योनसांग को अपना जो हुडी है उसे भी पहनते हुए दिखाया जाता है। इस समय तो योनसांग चैंगसो से ये भी कहने लगता है, तुम मेरे से साइज में थोड़ा बड़े हो, क्या तुम इसलिए समझ रहे हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? अभी योनसांग का ये बोलते ही योनसांग के पास्ट के बारे में हमें दिखाया जाता है। योनसांग जिस पर्सन से फाइट करना सीखा था वही पर्सन योनसांग को एक टिप्स देता है, बोलता है, योनसांग अगर तुम्हारा सामना किसी एक जॉइंट मतलब एक तगड़े लौंडे से होता है तो तुम्हें हमेशा से अपने हुडी को कस के पहन लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें फाइट को जीतने के लिए एक मौका मिले। अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ भी योनसांग को इस तरीके से हुडी को कस के अपने शीर के साथ बांधता हुआ देखने के बाद चैंगसो इस समय योनसांग से पूछने लगता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में योनसांग बोलता है, मुझे किसी ने सिखाया था कि किस तरीके से किसी भी फाइट को जीता जा सकता है तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। अभी योनसांग ये बोलने के साथ ही अभी एक बहुत ही भयंकर बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है और देखते देखते चैंगसो के ऊपर रश कर देता है और चैंगसो के पेट को कस के पकड़ लेता है। लेकिन चैंगसो पूरा का पूरा एक पहाड़ जैसा है, उसे इन सभी चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय चैंगसो जैसे ही योनसांग के सिर को हुडी के ऊपर से पकड़ता है वैसे ही योनसांग अपने हुडी को पूरी तरीके से खोल देता है जिसके कारण योनसांग का हुडी अभी चैंगसो के हाथ में आ जाता है और अभी योनसांग थोड़ा पीछे चला जाता है और देखते देखते बहुत ही फास्ट तरीके से योनसांग अभी चैंगसो जिस हाथ से योनसांग के हुडी को पकड़ के रखा है उसी तरफ के पाँव में जोर से लात मार देता है जिसके कारण अभी चैंगसो का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। और अभी चैंगसो जैसे ही घुटनों पे आता है उसी टाइम पे योनसांग अपने पाँव के माध्यम से बहुत ही जोर से चैंगसो के फेस में एक अटैक को लॉन्च कर देता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण चैंगसो के नाक से मुख से खून पहाड़ की तरफ आने लगता है। लेकिन इस समय योनसांग यह भी नहीं रुकता, दोबारा से चैंगसो के सिर को पकड़ते हुए और इसके साथ ही एक और बार अपने किक को रेडी करते हुए चैंगसो से ये बोलने लगता है, तुमने क्या सोचा था मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे जो मन में आए वो सब कुछ बोलोगे? लेकिन इस समय योनसांग का अटैक चैंगसो के फेस में लगने से पहले बुमाई अभी इन दोनों को यही पे रुक जाने के लिए बोलता है। बुमाई इस समय योनसांग से बोलता है, मैंने कहा रुक जाओ, आज के लिए बहुत हो गया। लेकिन इस समय जैसे ही चैंगसो की तरफ का सीन दिखा जाता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है योनसांग जब इस किक को चैंगसो के ऊपर लॉन्च कर रहा था उसी समय चैंगसो भी अपने पंच को रेडी कर लिया था योनसांग के ऊपर लॉन्च करने के लिए। और सच बोलूं तो इस पंच को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पंच किसी भी तरह योनसांग को हिट कर जाता तो योनसांग का खेल यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन इस समय अपना योनसांग बहुत ही ज्यादा चालू होता है, जैसे ही बुमाई योनसांग को रुकने के लिए बोलता है वैसे योनसांग चैंगसो के फेस को छोड़ते हुए अभी बोलने लगता है, ठीक है जब मालिक बोल रहा है रुकने के लिए तो मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। और इस समय योनसांग इस तरीके से बात कर रहा था मानो कि वो चैंगसो के जान को बख्श दे रहा है। अभी योनसांग चैंगसो को छोड़ते हुए यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, ठीक है आज के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ लेकिन आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय चैंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ योनसांग को गाली देने लगता है। लेकिन इस समय बुमाई योनसांग की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, सच में ये लौंडा बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, मैं इसे जितना ज्यादा देखता हूँ मुझे ये उतना ही ज्यादा पसंद आने लगा है। बुमाई के मुंह से योनसांग के बारे में इस तरीके का बात सुनने के बाद चैंगसो भी इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही बुमाई को ये कहने लगता है, बुमाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो कमीना उसके आंखों में मुझे कुछ अलग ही नजर आ रहा है और आखिरकार तुम उसे कैंगमिन के पोजीशन को कैसे दे सकते हो? तो इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय बुमाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चैंगसो की तरफ ही देखते हुए चैंगसो से ये कहने लगता है,
चैंगसो, तुम्हें ये नहीं लगता हेड जो बोलता है तुम्हें वही सुनना चाहिए? अभी योनसांग यहाँ से जाते हुए जोर से अपने सांस को छोड़ता है और बोलता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और योनसांग का ये बोलते ही अभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब अभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लेडी टीचर इस समय अपने क्लास को खत्म करने के बाद इन सभी से ये कहने लगती है, एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रही है तो तुम सभी लोग जल्दी से एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना, और हाँ होमवर्क करना मत भूलना। अभी टीचर क्लास में मौजूद इन सभी बच्चों से ये सब कुछ बोलने के बाद ही बुमाई से बोलने लगती है, बुमाई क्या तुम मेरे साथ टीचर्स रूम में चलोगे? तो इस बात को सुनने के बाद बुमाई भी राजी हो जाता है, और देखते ही देखते अभी ये दोनों टीचर्स रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे अभी ये टीचर योनसांग से बोलने लगती है, मैंने सुना है मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हें 100 out of 100 मिला है। तो इसके रिप्ले में बुमाई भी बोलता है, हाँ हाँ ये तो कुछ नहीं है, ऐसे तो होते ही रहता है। इस समय तो हम लोगों को योनसांग को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि समय इसी टीचर एंड बुमाई को इस तरीके से बात करते हुए देख रहा था, और इसके साथ ही अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सभी लोग इसे स्कूल के अंदर एक मॉडल स्टूडेंट के रूप से जानता है, लेकिन एग्जैक्टली बोलू बुमाई कोई मॉडल स्टूडेंट नहीं है, वो तो बस अपने लाइफ को दो तरीके से जीता है, मतलब डबल रोल प्ले करता है, और तो और स्कूल के अंदर वो सभी के सामने अपने आप को मॉडल स्टूडेंट के रूप में पेश करता है। बुमाई जो कि स्कूल के अंदर और अपने फैमिली के सामने अपना जो रेपुटेशन है उसे मेंटेन करके रखता है, और दूसरी तरफ इन सभी के बाहर उसका रेपुटेशन कुछ और ही है, जितना भी इल्लीगल काम है उन सभी कामों में बुमाई बहुत ही ज्यादा माहिर है। अभी योनसांग का ये सोचते ही रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसांग उसी बिल्डिंग के अंदर जिस रूम के अंदर फेक आईटी वगैरह बनाया जाता है वहाँ पे आके क्लैपिंग करते हुए सभी को अटेंशन के लिए बोलता है, और इसके साथ ही उन सभी से अपने परिचय देते हुए बोलता है, मेरा नाम ली योनसांग है और मैं कांग मिन के बदले में आज से तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। और योनसांग का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टेस्ट है वो भी खत्म हो गया था और टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस हो रहा था, जहाँ पे वही टीचर अभी बुमाई को उसका जो मार्कशीट है वो देते हुए बुमाई से बोलने लगती है, बुमाई सच में तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो, इस स्कूल के अंदर तुम 10th पोजीशन को होल्ड करके रखे हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय बुमाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए टीचर से बोलने लगता है, नहीं टीचर ये तो बस आपकी जो हार्डवर्क है वही है। और ये बोलने के साथ ही अभी बुमाई क्लास के अंदर बहुत ही जोर से ये अनाउंस करता है, मेरा जितना भी सक्सेस है उन सभी का जितना भी क्रेडिट है वो टीचर को ही जाता है। और इस बात को सुनने के बाद इस समय टीचर भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, इस समय तो पीछे से जितने भी स्टूडेंट है वो लोग एक कमेंट पास करता है, टीचर आप बुमाई के साथ बहुत ही अच्छी दिख रहे हो। इस बात को सुनने के बाद टीचर तो और भी ज्यादा शर्माने लगती है। अभी इस क्लासरूम के अंदर ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन इसी समय क्लासरूम के दरवाजे को खोल के यहाँ पे जो हेड टीचर है वो आ जाता है, और अचानक से हेड टीचर को देखने के बाद अभी वो लेडी टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है, टीचर किम आखिरकार क्या हुआ? तो इसके रिप्ले में ये हेड टीचर बोलता है, कुछ नहीं मैं तो बस बुमाई को लेने के लिए आया हूँ। अभी हेड टीचर का ये बोलते ही हम लोगों को स्कूल के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी हेड टीचर बुमाई के सामने खड़ा होके उसे पूछने लगता है, बुमाई आखिरकार तुमने ये क्यों किया है? तो एक क्वेश्चन सुनने के बाद बुमाई भी अभी शॉक हो जाता है और हेड टीचर से पूछने लगता है, टीचर आखिरकार क्या हुआ है? तो इस समय ये हेड टीचर अपने पास से फोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और योनसांग को दिखाते हुए बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया है? मैंने बोला था मैं तुम्हें पेपर को लिख करके दे रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बोलना। लेकिन अभी ये देखो, अभी टीचर के हाथ से फोन को लेते हुए बुमाई भी इस न्यूज को अच्छी तरीके से देखने लगता है, और इसके साथ ही हेड टीचर से ये पूछने लगता है, टीचर क्या आपने किसी और को क्वेश्चन दिया था? तो इस बात को सुनने के बाद अभी हेड टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए बुमाई से ये कहने लगता है, तुम पागल कमीने कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को क्वेश्चन दिया हूँ? और अगर मैं इसके कारण किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ तो तुम तब क्या करोगे? लेकिन इस समय बुमाई टीचर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही डरावना शक्ल बनाने के साथ टीचर से बोलता है, टीचर मैंने कहा ना वो मैं नहीं हूँ जो कि ये सब कुछ किया है। अभी ये हेड टीचर एंड बुमाई आपस में जो कुछ भी बात कर रहा था इन सभी बातों को इस समय अपना योनसांग एक दीवार के पीछे से खड़े खड़े सुनने लगता है। तो इस समय हम लोगों को ये जानने के लिए मिलता है, तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है इन सभी कारनामा के पीछे हम लोग का योनसांग ही है। योनसांग एंड जोना ये दोनों मिलके ये जो बात है, मतलब बुमाई का जो काला साज है जिससे बुमाई इतना ज्यादा हाई मार्क्स पाता है, उसका ही खुलासा किया है। इस समय तो बुमाई टीचर से ये कहने लगता है, ठीक है जो हुआ भूल जाओ, लेकिन तुम जल्दी से ये जो पोस्ट है इसे इरेज कर दो। लेकिन ना ना मुन्ना, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। योनसांग वो यहाँ पे ये हेड टीचर एंड बुमाई के बीच में जो जो बातें चल रहा है उसे सुनने के लिए अकला नहीं आया है, वो तो अपने साथ उसी लेडी टीचर को भी लेके आया होता है। और ये लेडी टीचर इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। योनसांग अभी टीचर से बोलने लगता है, देखा आपने यही बुमाई का असली चेहरा है। लेकिन अभी ये लेडी टीचर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलने लगती है,
नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इवन जो हेडमास्टर है वो भी इन सभी कामों में मिला हुआ है बस कुछ पैसों के लिए। तो इस समय इस टीचर को इस तरीके से सरप्राइज होते हुए देखने के बाद बुमाई टीचर से बोलने लगता है, बस आप इतने में ही इतना ज्यादा शौक हो गए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। और ये बोलने के साथ ही इस समय योनसांग टीचर के कान के पास जाके धीरे से बोलता है, आपको क्या पता है बुमाई आपके टेबल में एक हिडन कैमरा भी फिट करके रखा है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को अभी स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लेडी टीचर अपने सामने एक फ्लैग को देखते हुए अभी किसी एक बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और अपने मन में ही योनसांग ने आखिरकार टीचर को क्या बोला था उसके बारे में सोचने लगती है। तो बेसिकली योनसांग ने टीचर को ये बोला था, अभी सामने की तरफ जो फ्लैग से इसके अंदर एक कैमरा छुपा हुआ है, एग्जैक्टली ये एक हिडन कैमरा नहीं है, ये एक सर्विलेंस कैमरा है जो कि किसी भी पर्सन को मॉनिटर करने में यूज किया जाता है। योनसांग ने तो टीचर को ये भी बोला था, बुमाई जो कि आपके हर एक मोमेंट को ट्रैक करना चाहता है, वो आपके बारे में हर एक चीज जानना चाहता है। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो टीचर योनसांग से बोलती है, तो क्या हमें इन सभी चीजों के बारे में पुलिस में कंप्लेंट करना नहीं चाहिए। तो इसके रिप्लाई में योनसांग टीचर से बोलता है, नहीं अगर आप ऐसा करती है तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है बुमाई के पास हमेशा से एक दूसरा प्लान होता है, तो अभी के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अभी योनसांग का ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे योनसांग किस तरीके से बुमाई का जितना भी रेपुटेशन है उसे उखाड़ के रखेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।